पे तो खेल खिलाई हो रही थी, बट यहाँ पे दो भेड़ों की लड़ाई होना जस्ट चालू होने वाली है। हेड बट करना एक दूसरे को, भूल गए। यहाँ पे अल्पाका भी है जो क्या बोलते हैं, शीप और जिराफ का मिक्स, बड़ी गर्दन वाली शीप। हेलो नमस्ते, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सौरभ राय और आप देख रहे हैं मेरे व्लॉग्स। आज की तारीख है 21 मई, सुबह के अराउंड 10:30 का वक्त हो रहा है। साज की क्लास खत्म हो गई, स्विमिंग क्लास, उसके क्लिप्स देखे होंगे आपने। और आज हम लोग का प्लान है थोड़ा बहुत घूमने जाने का। मैं ट्राई करूंगा कि अपना ड्रोन भी निकालूं, बहुत दिन हो गए हैं। तो कालामंडा सबर्ब है यहाँ पे हिल्स में, उसके बाजू में वेलिस्टन करके एक जगह है, वहां पे एक ऑर्चर्ड है जिसमें ऑटम फेस्टिवल टाइप का होता है, SNR ऑर्चर्ड। तो नहीं, ये मेरे नाम से इनिशियल्स नहीं रखा हुआ है। तो वहां पे जाएंगे, देखेंगे। वहां पे ट्रैक्टर राइड्स है किड्स के लिए, बाउंसी कासल है और एक दो और राइड्स हैं। तो उसकी वेबसाइट का लिंक में से तो काफी अच्छा लग रहा है देखने के वहां पे जाके, बट एनीवे देखते हैं, वहां पे जाएंगे और थोड़ा टाइम पास करेंगे। तो आज वीडियो चालू करते हैं। तो नहा धो के हम लोग हो गए हैं तैयार, और ये जो जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वो बस ऑटम में चालू रहता है, तो बहुत ही लिमिटेड टाइम स्लॉट है जहाँ पे साल में जहाँ पे वो वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। हम लोग को पर्थ में रहते हुए काफी समय हो गया, बट पहली बार है जो यहाँ पे जाने वाले हैं। तो एक बार बाकी लोग तैयार हो जाए तो उसके बाद निकलते हैं। यहाँ से अराउंड 20 मिनट का रास्ता है, सो नॉट दैट बैड। तो मैं अपना ड्रोन भी रखने वाला हूँ आज, तो होपफुली वहाँ पे चांस मिलेगा। नाइस एंड सनी है बाहर, तो इसको भी उड़ाया जाएगा, बहुत दिन हो गए। पार्किंग तो है भरी भी, हम लोग जा रहे हैं ओवर फ्लो पार्किंग स्ट्रेट अहेड। और टिप, यहाँ पे आओ तो जूता पहन के आओ। साइश को एक बड़ा सा चूटा काट लिया, तो 5-10 मिनट रोने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। और यहाँ की एंट्री फीस है अराउंड $12 पर हेड, तो बच्चों के लिए मेरे ख्याल से फ्री है, बट हम लोग का पैसा लगेगा। बेसिकली किसी का घर है बैकयार्ड और यहीं पे पीछे फार्म है जहाँ पे पूरा अट्रैक्शन बन रखा है। हमारे केस में साइश का भी जा रहा है फर्स्ट एड किट देखने, काफ़ी ज़्यादा चल रहा है उसको एंड बाइट से। और तो यहाँ से कर रहे हैं हम लोग एंट्री, अभी फर्स्ट एड किट का है मालूम नहीं। और साइश, आई एंजॉइंग द राइड? नहीं, अभी भी थोड़ा दुखी है चीटी का जो बाइट है उससे। तो देखते हैं आगे क्या क्या है अट्रैक्शन वहाँ पे। होपफुली थोड़ा बच्चों के राइड्स होंगे तो साइज का थोड़ा मूड चेंज होगा वहाँ पे जाके। यहाँ पे ट्रैक्टर राइड भी होती है, तो हम लोग पता लगाएंगे कि कहाँ से टिकट लेना है, क्या है यहाँ का सिस्टम, और मे बी ट्रैक्टर राइड लिया जाएगा। एक्चुअली कुछ स्पेशल नहीं करना है, बस यहाँ पे खड़ा हो जाना है जो हम लोग कर सकते हैं, और फिर जब ड्राइवर आएगा तो लेके जाएगा ट्रैक्टर राइड। ड्राइवर भसाब आ गया, अभी जा रहे हैं हम लोग ट्रैक्टर राइड पे। समय आया है थोड़ा सा फवारा पॉन्ड, और भी आई एम श्योर काफी सारे अट्रैक्शन होंगे।
और अच्छा हुआ कि ट्रक में आके बैठ गए। साहिश अभी अपना जो एंड बैट है भूल गया है, तो विच इज अ गुड थिंग। टाइम पे आ गए थे। अभी जो भीड़ है इसकी वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो अपनी राइड खत्म, अभी जाते हैं और आगे। अरे तो ट्रैक्टर राइड तो खत्म हो गई, काफी मजा आया। अभी हम लोग का प्लान है जाने का, आगे और सारी राइड्स हैं और मेरे ख्याल से खाने पीने की भी बहुत सारी चीजें हैं, तो लेट्स गो देयर। वेरी नाइस वेदर। दूसरा अगर स्नैपशॉट दिया जाए तो यहाँ पे जो कप वाली राइड होती है बच्चों की, वो है। ये फूड ट्रक है, कैफे दिख रहा है, आगे बहुत सारा बैठने का एरिया है, तो जाके भी डिटेल देखा जाए। ये पुल भी है, थोड़े बहुत ही नहीं बहुत सारे हैं। यहाँ पे है बाउंसी कासल, उसके बाद है ये फेस पेंटिंग का, उसके बाद फेरी फ्लॉस जो आई एम श्योर साइज खाएगा, उसके बाद चिप्स की दुकान, एक और फूड ट्रक है चिप ऑन अ स्टिक जो बहुत फेमस है आजकल, हॉट डॉग, थाई एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जूस। हम लोग अपना ये पिकनिक बैग लेके आए हैं और काफी सारी ओपन एरिया है पिकनिक करने के लिए, अगर करना है तो करेंगे। ताज भाई साहब बैठ गए हैं कप में, अभी बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक है, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, और हम लोग खड़े हैं बाहर, तो ही शुड हैव फन। ओ कोई डेट भी है क्या? नहीं डेट नहीं, अकेले बैठा है। यहाँ पे क्रिसमस ट्री टाइप का जहाँ पे पापा मम्मी का अभी हो रहा है फोटो सेशन। दुकान है यहाँ पे थोड़ी बहुत आर्टिफैक्ट्स की, उसके आगे है कॉफी और आइसक्रीम और इवन डोनट्स। साज भाई सबको दिखा है बाउंसी कासल, तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। हम लोग ने ऑर्डर किया है चिप्स एंड ग्रेवी, तो उसका इंतजार होगा गरम गरम ठंडे मौसम में, शुड बी नाइस। अलग अलग डिजाइन के फेरी फ्लॉस मिल रहे हैं, मैं मे बी ले लूंगा रैबिट फॉर साहिश। इंडियन भी स्टोर, इंडियन भी ट्रक है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग खाएंगे समोसा और पियेंगे चाय। तो खाना ना खा के हो गया, फोटो वोटो निकाल के हो गया। अभी मैं देख रहा हूँ कि ड्रोन शॉट्स निकालने की यहाँ पे कोई जगह है कि नहीं। अंदर अमेरिका से काफी सारे पेड़ वेड़ हैं, तो बाहर जाके देखते हैं कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ये मुझे थोड़ी ठीक ठाक जगह लग रही है, ऐसा लॉन्चिंग के लिए भी है और ओवरहेड। ये कैमरा में समझ नहीं आ रहा होगा बट इसके ऊपर नहीं है कुछ। I work like I got vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python. Grab what I like real fast, choke until I have everything I attack. Everything that I lack, everything that I want and I see, matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be, I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind, I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind, you know I'm.
भाई बहनों, अभी ड्रोन शॉट्स तो ले लिए हैं, अभी ड्रोन आ रहा है वापस। होपफुली पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो कर दीजिए लाइक। और कहाँ गए मेरे ड्रोन? और तो अब जाते हैं वापस वो इवेंट पे। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, ये एक फार्म है, उसी को थोड़ा फैमिली फ्रेंडली बना दिया है, फूड ट्रक्स लगा के और थोड़ी बहुत राइड्स लगा के। कुछ ऐसा कुछ बहुत यूनिक नहीं है, बट अच्छी मार्केटिंग है, इसकी वजह से नॉट अ बैड प्लेस टू बी एट। इज इट वर्थ $12 पर हेड ओनो? ये आप वीडियो देख के खुद ही जज कर सकते हैं। बट एक ट्रैक्टर राइड मिलती है फ्री में, बच्चों के लिए बाउंसी कासन मिलता है, और एज यूजुअल जो फूड है वो थोड़े ओवर प्राइस होते ही हैं इस टाइप के इवेंट्स में, तो वो तो कोई इट्स नॉट रियली अनएक्सपेक्टेड। बट ये कि भीड़ बहुत है, पर्थ के हिसाब से बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेट्स गो वापस इनसाइड। यहाँ पे ये सब प्रॉप्स रखे हैं, जहाँ पे हम लोग थोड़ा वीडियो खींचा। अभी यहाँ पे और सारे प्रॉप्स हैं, जहाँ पे सबके सामने क्यू है अभी, तो जाके वेट करते हैं। और तो अभी हम लोग का ऑलमोस्ट टाइम हो गया है जाने का, और इस वीडियो में ज़्यादा कोई ज्ञान तो नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन तो नहीं होगा, मोर सिनेमैटिक्स हैं, तो होपली पसंद आया हो, नहीं आया तो क्या कर सकते हैं, टाइम टू गो। और जाने से पहले यहाँ पे सायश के का फेवरेट पेटिंग क्या बोलते हैं एनिमल फार्म, इसको तो विजिट करनी पड़ेगा। और साहिश के साथ उसके बाबा भी जा रहे हैं, दादी नहीं जाएगी, और मैं तो वीडियो निकाल रहा हूँ। तो खेल खिलाई हो रही थी, बट यहाँ पे दो भेड़ों की लड़ाई होना जस्ट चालू होने वाली है, हेडबट करने एक दूसरे को, भूल गए। यहाँ पे अल्पाका भी है, जो क्या बोलते हैं शीप और जिराफ का मिक्स, बड़ी गर्दन वाली शीप। और तो ये वीडियो यहीं से करते हैं ख़त्म, और कुछ तो है नहीं, अभी वापस जाएंगे घर में, खाना खा के सो जाएंगे, कल जाना है काम पे। तो वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए लाइक, बहुत पसंद आया कर दीजिए शेयर एंड सब्सक्राइब, और होपफुली ड्रोन शॉट्स पसंद आएंगे, बहुत दिन बाद ड्रोन उड़ाया। एनीवे मुलाकात होती है अगले वीडियो में अगले हफ्ते। बाय।